गुड मॉर्निंग। तो कल जैसे मैंने वीडियो दिया था 50 क्वेश्चंस का, उसमें 40 क्वेश्चन जैसे जीके जीएस चलते हैं जनरली वैसे ही दिया था मैंने, और 10 क्वेश्चंस मैंने दिया था मैथ और रीजनिंग का। तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मैम सेट काफ़ी अच्छा रहा और अच्छा लगा कि 10 क्वेश्चन को ऐड कीजिए। तो आज कल की तरह आज मैंने फिर से ऐड किया है और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जिनका कि मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा है वो चाहे तो 40 क्वेश्चंस के बाद उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें है कि नहीं आप टेस्ट लगाना है तो वो पूरा टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और हाँ, एक और बात, मैंने जो न्यू चैनल ओपन किया है, ब्लॉग चैनल निशा राज ब्लॉग, अगर आप इच्छित है कि हाँ आप उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं उस पर जैसे कि बहुत बार होता है कि कमेंट करते हैं स्टूडेंट की, आप जितने भी कमेंट होते हैं आप उसका आंसर नहीं करती हैं, तो मैंने एक डे कोई भी डे मैंने मैं सोच के और जितने भी कमेंट आते हैं मैं उन सारे कमेंट को लेकर आऊँगी और उन सबका आंसर दूंगी अपने लेकिन ब्लॉग चैनल पर, क्योंकि ये टीचिंग चैनल है, एजुकेशनल चैनल, तो मुझे इस पर अच्छा नहीं लगता वो सब वीडियो देना, तो मैं उसी पर दूंगी। आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो न्यू है, जो नहीं पता है, उन्हें मैं बता दूं कि निशा राज ब्लॉग करके चैनल है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो शुरू करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सॉरी यहाँ पे सरकारी होगा, सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। आंसर है ऑप्शन डी, 15। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। सुनहरा रेखा से अभिप्राय है। आंसर है ऑप्शन बी, पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है। आंसर है ऑप्शन डी, लार ग्रंथि। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया में, जिसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी। आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को जो है वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है।
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपातकाल। आपात जो होते हैं वो तीन तरह के आपात का उपबंध किया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लिखित है, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल ये 352 अनुच्छेद के तहत, वित्तीय आपातकाल 360, ओके इसे याद कर लीजिएगा, ये 352 और ये 360, और राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 से संबंधित है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा में। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश करता है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन ए, 9 राज्य जो है तटीय यानी कि समुद्र से सटे हुए हैं, जिसमें कि आप सभी का नाम याद रख लीजिए क्योंकि इसमें घुमा फिरा के बहुत से तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल आते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार से। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। मेरा इंडिया अभियान के तहत किस वर्ष तक देश में मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव 2020 यानी नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? आंसर है ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का अन्य नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल। महात्मा गांधी ने निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, और इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? तो ई दीन सा वाचा जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। और हाँ, इन्होंने अगर पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष के तौर पर रहे थे, तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था बेलगांव में, उसमें ये अध्यक्ष के रूप में रहे थे। लेकिन सबसे पहले जो भाग लिया था उन्होंने 1901 में। अब कईयों के क्वेश्चन रहते हैं कि इस समय तो वो लौटे भी नहीं थे तो कैसे भाग ले लिए, तो ये जो है 1901 में सपरिवार जो है स्वदेश लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, और वहां के भारतीयों को आश्वासन भी दिया था कि वे फिर वहां पे वापस आएंगे अगर आवश्यकता हुई तो। और 1901 में उन्होंने पूरे देश का दौरा भी किया था, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और बंबई में वकालत का दफ्तर भी खोला था उन्होंने। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना था, ये राइट आंसर है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था किस राज्य में है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था किस राज्य में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेदों में निहित है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13, 32 और 226 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अनुच्छेद 80 में भी 80 का क के अनुसार जो है राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्य को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या फिर अनुभव रखता हो। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आंसर है ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड का हिंसात्मक रूप होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? आंसर है ऑप्शन ए, यूनानी, शक और फिर कुषाण। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायी किसके प्रति होता है? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। अगर पूछा जाएगा कि मंत्रियों का असामूहिक रूप से उत्तरदायी तो वो लोकसभा के प्रति होता है, और अगर व्यक्तिगत उत्तरदायी तो वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध से। काजू की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन डी, लैटराइट मिट्टी। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास की। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये सभी जो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पति किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, टुंड्रा जलवायु में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यहां पे दिया गया है तुलबुल परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है, तो ये गलत है क्योंकि तुलबुल परियोजना ये जो है झेलम नदी पर अवस्थित है। बाकी का ऑप्शन सही है, वान सागर परियोजना सोन नदी पर, निम्मो बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर और बगलिहार परियोजना चेनाव नदी पर अवस्थित है। इसे याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल में। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, जून जुलाई में।
खरीफ फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि धान, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारी चीजें आती है खरीफ फसल के अंतर्गत। अब रबी फसल को भी याद रख लीजिए कि रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर महीने में इसे बोया जाता है और अप्रैल मई तक इसे काट लिया जाता है। ये शीतकालीन फसल होती है रबी फसल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रतनलाल को। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? आंसर है ऑप्शन ए, जाइमेज। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है? आंसर है ऑप्शन बी, जूल। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? आंसर है ऑप्शन बी, जहां की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहां पे 40 क्वेश्चंस का जीके जीएस जो भी है उसका सेट खत्म होता है। अब आगे के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मैथ और रीजनिंग के हैं। पहला क्वेश्चन कि मोहन ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके अंकित मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दी, तो मोहन का लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे क्या कहा गया कि मोहन के पास एक पेन ड्राइव है जो कि इसके अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस का 4/5 भाग के मूल्य पे खरीदा था, तो मार्केट प्राइस जो भी रहा होगा उसने इसे खरीदा कितने में? तो मार्केट प्राइस के 4/5 भाग के उसने खरीदा, यानी कि सीपी हो गया उसके लिए। अब यहाँ पे आप जो है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो जिसके नीचे जो होता है वही उसका मान होता है और जो जिसके सामने होता है वो उसका मान होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि क्या सामने और क्या बता रही है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इससे रेशियो निकल जाएगा। अब क्या कहते हैं कि इसके अंकित मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया। अंकित मूल्य जितना भी था, ओके, अंकित मूल्य का रेशियो कितना आया 5, उससे 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया। यानी कि एसपी अगर निकालना हो तो 5 का 120% निकालेंगे, 20% ज्यादा मूल्य पे यानी 120 में बेचा। आप काट दीजिए 20 से इसे काट दीजिए तो 6 बार में और ये 5 बार, 5-5 हो गया कैंसिल। एसपी का रेशियो में कितना आ गया ये एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, आप इसका ध्यान रखिए कि मार्केट प्राइस आपका रेशियो में ही है 5, ओके, एंड सीपी का कितना आया है 4 और एसपी आपने कितना निकाला है 6 रेशियो में। अब यहाँ पे क्या कहता है तो मोहन को लाभ प्रतिशत, तो लाभ जो होता है सीपी के अनुसार देखते हैं, तो खरीदा उसने 4 और बेचा उसने 6, तो प्रॉफिट कितने का 2 का। प्रॉफिट हमेशा कम पे इनटू 100, 2 से काट दिए या फिर इसे ही डायरेक्ट आप काट सकते हैं जैसे भी काटना हो, इसे काट दीजिए 50 टाइम में तो कितना हो जाएगा 50% का प्रॉफिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला कि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए ए है और एक बी नल है, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, प्लस माइनस से डिनोट कर दिया। ये 3 घंटे टाइम लेती है अकेले भरने में और ये अकेले खाली करने में 4 घंटे का। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना आ गया 12, यानी कि 12 काम इन दोनों को करने हैं। 3 से डिवाइड कीजिए 4 बार में और 4 से डिवाइड कीजिए 3 बार में। अब अगर इन दोनों से आप काम करवाएंगे तो 4 काम आपका प्लस में और 3 माइनस में, यानी कि एक साथ अगर काम करेंगे तो एक बार में कितना होगा एक ही काम होगा 1 घंटे में। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, टंकी 1/3 ऑलरेडी भरा हुआ है, 12
भरना है और 12 का एक तिहाई भरा हुआ है तो बचे हुए को ही आप भरिएगा ना, तो बचा हुआ कितना है, दो तिहाई, तीन से काट दीजिए चार बार में, यानी कि आठ काम ही इन लोगों को करना है। तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, एक घंटे में करता है कितना, एक काम को करने में एक घंटा लगता है, तो आठ काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो आठ काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आठ घंटे का समय लग जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आता है तो मैंने ना इसकी वीडियो बना रखी है, ये वर्क एंड टाइम और पाइप एंड टंकी, ये दोनों चैप्टर इसी तरीके से मैंने बताया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं सर्च करके। क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर और एक का आर वन आप मान लीजिए, आर वन स्क्वायर कितना है 49:81, पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट चला जाएगा इस साइड होके स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो आर और आर वन का रेशियो में कितना जाएगा 7 और इसका कितना निकलेगा 9, क्योंकि ये रूट में आ जाएगा तो इसका 7 और ये 9 का स्क्वायर। अब r का मान निकल गया त्रिज्या, तो परिधि, परिधि का रेशियो क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई r और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई r 1, ओके 2 पाई और 2 पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 7:9, ऑप्शन नंबर सी। एक पिता की आयु उसके दो बच्चों के आयु के योग का 3 गुना है, हालांकि 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दो बच्चों के आयु के योग के बराबर होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए, एक है पिता और उसके हैं दो बच्चे, तो मान लेते हैं दोनों बच्चों के आयु का जो योग है ना वो एक्स वर्ष है, तो पिता की आयु क्या कहता है, दोनों बच्चों के आयु के योग का 3 गुना है, तो इसका कितना हो जाएगा 3x, ये वर्तमान में है। अब 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा 3x+20 और ये भी तो 20 वर्ष के बाद होगा, तो यहाँ पे दो बच्चे हैं तो 20 और प्लस 20 दोनों होगा ना, 20 और 20 तो एक ही बार आप 40 ऐड कर दें या अलग अलग करके ऐड करें। अब यहाँ पे हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 3x+20=x+ हो जाएगा 40, एक्स को इस साइड ले आइए तो माइनस में होके 2x हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20, 2 से कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 10, ओके एक्स का मान 10 आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु 3x यानी कि 3 × x का मान 10 यानी कितना हो जाएगा 30 ईयर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:2 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों कोण का जो माप होता है वो होता है 360 डिग्री, और ये रेशियो में दिया गया है यहाँ पे चारों कोणों का माप, तो बताना है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है 2, कितने में, तो चारों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपको जोड़ने के बाद 18, इसीलिए 360 डिग्री में कितना, तो इसे कट कर दीजिए 20 टाइम में, आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता सबसे बड़े कोण का माप तो हम 7 को लेके चलते। अब है रीजनिंग कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम में कौन सा संयोजन गलत है, तो यहाँ पे आपको ये जो सीरीज दिया गया है इसमें आपको चेक करना है कि यहाँ पे कहाँ पे जाके गलती की गई है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज है किस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है 1 में मल्टीप्लाई 2 कीजिए प्लस 1, ठीक है 3 हो गया, 3 में मल्टीप्लाई 2 कीजिए प्लस 1, ओके फिर 7 में भी मल्टीप्लाई 2 कीजिए प्लस 1 आ रहा है, 15 में भी मल्टीप्लाई 2 कीजिए प्लस 1 इतना आ गया, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 हो जाएगा तो कितना आना चाहिए 63, लेकिन यहाँ पे 65 है, तो ये हमारा गलत है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि शब्द क्रिएटिव में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होंगे, तो इसे कैसे बनाना है आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ।
CREATIVE। ओके, अब कहा जा रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पे चेक करिए आप कि चेक कैसे करना है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। तो सी के बाद क्या होता है, डी और फिर ई, यानी कि गैपिंग जो है इसके बीच उतना ही अक्षर का है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसे भी होता है कि सी के बाद आता है एक अक्षर रहता है फिर ई आ जाता है, तो सी डी ई, यानी आपका एक ये हो गया। अब आगे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे ई के बाद एफ जी एच आई जे ये नहीं है। अब आर कर लीजिए चेक, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये नहीं है, ई का तो हमने चेक किया ही, ए बी सी डी ई इसमें है। ओके, एक दूसरा मिल गया आपको, फिर टी का चेक कर लेते हैं, टी यू भी, तो यहाँ पे भी मिल गया, आई जे के ये तो नहीं है आपका। यानी कि ऐसे कितने हैं, तो तीन है, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम संख्या समूह को चुने, तो इसे कैसे चुनना है कि यहाँ पे देखिए 20, 16, 18 इसमें सबसे अलग जो है वो आपको चुनना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें किस तरीके से है। तो 20 से क्या हुआ, 4 माइनस हुआ है और फिर 2 प्लस हुआ है। 18 में 4 माइनस 2 प्लस, 16 में 4 माइनस 2 प्लस, 14 में 4 माइनस होता तो कितना होना चाहिए था यहाँ पे 10, और 2 प्लस होना चाहिए था तो कितना हो जाता है यहाँ पे 12, यानी कि ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन है कि 4:40 इसमें घंटे और मिनट के एक घड़ी के कांटे निम्न में से कौन सा कोण निर्मित करेगा, ये आपको बताना है 4:40 के बीच। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट, याद रखिए, और बटे 2, इसमें जो बड़ा हो आपको उसमें माइनस कर देना है। तो 60 और गुने घंटा कितना है आपका 4 और माइनस 11 गुने मिनट, मिनट कितना है 40, और बटे कर दीजिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 440 बटे 2। मैंने पहले ही कहा था जो बड़ा हो उसमें से आप उसे माइनस कर दीजिए, तो माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/2, कट गया कितना 100 टाइम में, यानी आंसर हो जाएगा 100 डिग्री का कोण, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो है एक चीज है और याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि बोलिएगा कि आंसर नहीं आता है, तो जब भी आपका जो आंसर है 180 से ज्यादा आता है तो उसे आप 360 डिग्री में माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन है कि सुनीता ने 8 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया, पुनः दाईं ओर मुड़कर उसने 3 किलोमीटर की यात्रा की, बताइए अभी वह किस दिशा में जा रही है। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस दिशा में जा रही है, सिर्फ आपका दिशा पूछा जाता है, तो आपको कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इसका ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ दिशा बताना है, तो बस जो कहता है चलते जाइए। यहाँ पे क्या होता है, कहता है सुनीता दक्षिण की ओर, तो अगर आपको दिशा का ज्ञान होगा तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर। अब चूंकि मैंने इसलिए कहा कि सिर्फ दिशा का ध्यान रखिए, क्योंकि किलोमीटर से यहाँ आंसर में कोई वास्ता नहीं। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 8 किलोमीटर, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए ना लिखें। दक्षिण की ओर चला सबसे पहले, फिर दाईं ओर, दाईं का मतलब कि क्लॉकवाइज आपको मुड़ना है, तो दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, मतलब नहीं है कितना चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, फिर दाईं ओर आप उसे मुड़ा दीजिए, तो दाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह जो है उत्तर की दिशा में जा रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आई होप कि आज का भी 50 क्वेश्चंस का सेट आप लोगों का हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा रहा होगा, तो इसी तरह से सेट लगाते रहिए, और रीजनिंग में कोई अगर अलग पार्टीशन है तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस रीजनिंग को भी लेकर आऊँगी। ऐसे में सिलेबस में जितने भी हैं उन सारे का क्वेश्चन मैं सेट में देती रहूँगी रोज़। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।